So welcome back to another video. In this video we're going to discuss about the relation between gravitation and acceleration due to gravity, means capital G and small g. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So ये आता है हमारा रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, जो हमारा कैपिटल जी है और जो स्मॉल जी है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है, एग्जामिनेशन में मेन हमारा जो ये जो लास्ट में पॉइंट निकल के आता है ये हम मेनली यूज करते हैं, मीन्स जो आगे के डेरिवेशन आएंगे उनमें हमारे इसलिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो सिंपल हमारे इसमें क्या होता है, कुछ हमारे इसमें डायग्राम जैसा कुछ नहीं है, सिंपली हम इसमें कुछ चीजें लेट करते हैं और उन लेट मतलब लेट करी हुई चीजों से हम अपना जो ग्रेविटेशन है और जो ग्रेविटी है उन दोनों के बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे ये लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले है लेट द मास ऑफ द अर्थ इज एम ई, मीन्स जो अर्थ का मास है, अर्थ का मास हमने मान लिया जो मास है एम ई, उसको हमने डिनोट किया हुआ है ME से। नेक्स्ट द रेडियस ऑफ द अर्थ इज RE, मींस जो अर्थ की रेडियस है वो है हमारी RE, उसको हमने मान लिया। नेक्स्ट आता है लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मींस ऑब्जेक्ट का मास कितना है हमारा, ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, वो किस पर, वो अर्थ पर किसी सरफेस पर रखा हुआ है। देन अर्थ विल अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, मींस जो अर्थ है जैसे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, दो जो भी दो मासेस बॉडी होती हैं वो क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस पर ऐसे रखा हुआ है तो जो अर्थ का सेंटर है वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो वही वर्क हमारा यहाँ पर हो रहा है, मीन्स जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मास एम का वो क्या अर्थ के सर्फेस पर रखा हुआ है और अर्थ के सर्फेस पर जो अर्थ का सेंटर है वो उसको मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। By the force of, means किस force से attract करेगी, वो force की value होगी F is equal to G m1 m2 upon r square। इनमें जो G होता है वो हमारा gravitational constant होता है और जो हमारा m1 और m2 होता है वो जो दोनों masses body हैं उनका क्या होता है मास होता है, और R का मतलब होता है उन जो दो बॉडीज है, एक ये वाली बॉडी, एक ये वाली फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी, इनके जो बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा R। ये फॉर्मूले की वैल्यू से हम निकाल सकते हैं अपना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर हम अपना सब की वैल्यू रख देते हैं, जैसे एफ तो हमारा एफ ही रहेगा, जी हमारा एक कॉन्स्टेंट है जी ही रहेगा। यहाँ पर एम वन की जगह रख देते हैं हम अपना अर्थ का मास मीन्स एम ई, और एम टू की जगह रख देते हैं अपना ऑब्जेक्ट का मास जो कि है हमारा स्मॉल एम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर, आर मिले हमारा आ जाता है एक तो सेंटर ऑफ द अर्थ और एक सरफेस पर रखा हुआ, तो सेंटर से लेकर सरफेस तक हमारा कितना डिस्टेंस होगा, वो होगा हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ जो कि आ जाती है हमारी आर ई का स्क्वायर। तो ये आ जाता है हमारा फोर्स का फॉर्मूला। अब ये जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, मीन्स दिस फोर्स प्रोड्यूसेस द एक्सीलेशन इन द ऑब्जेक्ट विच इज नोन एज द एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स अगर कोई भी चीज़ है, मान आप यही देख लो कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर वहाँ पर कोई बॉडी है, अगर मैं उसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वो मेरी तरफ खींच के आएगी, तो वो जिस स्पीड से आ रही है मीन्स जिस वो एक्सेलेशन से आई है उसी एक्सेलेशन को हम बोलते हैं अपना एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आ जाता है हमारा कैपिटल एफ। अब हमें कैपिटल एफ की वैल्यू भी पता है, एफ क्या होता है मेरा फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलेशन, मीन्स वी नो डेट एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स किसका प्रोडक्ट है मास इन टू एक्सेलेशन का। एक्सेलेशन यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्सेलेशन किस स्पीड से, वो किस एक्सेलेशन से आएगा, वो आएगा हमारा एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। तो एफ इज इक्वल टू आ जाता है हमारा एम जी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को लेके हम सोल्व कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। एम जी को किसके इक्वल रख देते हैं, इक्वल एम जी को रख देते हैं हम अपना जी एम बी एम ई एम अपॉन आर ई के स्क्वायर के दोनों का आपस में इक्वल रख देते हैं। और इसको सोल्व करने के बाद यहाँ से हमारा जो एम है एम से कट जाता है और जी की वैल्यू मीन्स जो स्मॉल जी की वैल्यू आती है वो आती है हमारी स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स जो रिलेशन आता है बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन मीन्स स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, वो आ जाते हैं हमारा जी इज इक्वल टू स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। इससे हमें एक चीज और पता चलती है कि जो हमारा एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो कभी भी हमारा जो ऑब्जेक्ट का मास है उस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1 kg का मीन्स कोई भी आयरन की बॉल है और हमारे पास कोई फैदर है किसी बर्ड का, अगर हम उन दोनों को ड्रॉप करते हैं तो दोनों जो है वो एक ही स्पीड से एक ही एक्सेलेशन जो है अर्थ को जाकर एक ही टाइम पर टच करेंगे। मतलब वहां पर अगर हम कंडीशन रखें मीन्स वहां पर कोई हमारा एयर रेजिस्टेंस ना हो और कोई विंड ब्लो ऐसी चीज ना हो तो इस पॉइंट से हम अपना वो पॉइंट भी वैलिड मीन्स उस पॉइंट को भी प्रूव कर सकते हैं। सो ये आते हैं हमारा रिलेशन बिटवीन द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। बिल्कुल सिंपल से डेरिवेशन है, मेनली हमें ये वाला पॉइंट याद रखना है क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है हम आगे जो आने वाले डेरिवेशन है उसमें यूज करेंगे। सो सिंपल से डेरिवेशन है, वीडियो हेल्पफुल लगी तो उसको लाइक जरूर करना और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।